हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई थ्योरी आइडियाज़। मैं राहुल मगरदे आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों स्टार्टर के बारे में, कंट्रोल पैनल जो होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। ये समर्सिबल मोटर का है, जो 2 HP की मोटर डली हुई है अपनी, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये जो देख रहे हैं आप, ये एम्पियर मीटर लगा हुआ है और ये जो लगा है अपना वोल्टेज मीटर लगा हुआ है। इसमें अपने को वोल्टेज दिखता है कि मोटर में कितना वोल्टेज ले रही है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ प्रॉपर अभी कितना वोल्टेज पे, ये अभी आप देख रहे हो, ये अभी अपना 230 वोल्ट पे। जैसे ये एम्पियर देख रहे हो आप, ये एम्पियर अपना चल रहा है अभी लोड पे है मोटर, तो ठीक। जैसा आप ये देख रहे हो, ये स्टार्टर में जैसे स्टार्टर में देख रहे हो, ये मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये ट्रिपिंग होने लग जाएंगी। जैसे ही ऑफ करूँगा मैं तो ये ऑफ करने पर ट्रिपिंग का काम करने लग जाएगा। जैसे ये देख रहे हो, ये ट्रिप किया मैंने, उसको बंद किया। कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे दोस्तों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये अपने घरों में होती है, खास करके अपने घरों में लगी हुई होती है। और कैसा होता है, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आते हैं, इलेक्ट्रिशियन अगर आते हैं तो 100-500 रुपये तो वो ऐसे ही ले जा लेते हैं चेक करने के, और ज़्यादा इसमें कुछ जाता नहीं। जैसे स्टार्ट नहीं होना, कई बार होता है ऐसा कि जैसे ये स्टार्ट करके मैंने आपको बताया, ये स्टार्ट नहीं होना, रिले वगैरह काम नहीं करता है, तो अपन ये रिले वगैरह मार्केट में मिल जाता है अपने को, रिले भी अपन बदल सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो दोस्तों, इसमें अपन ने जो सिंगल फेस का है तो अपन ने ये दो इसके आउटपुट दिए, जो इनपुट दिया ये उसके अपन ने 3 आउटपुट निकाल दिए, RYB जैसे आप समझ रहे होंगे, जिसमें कि रेड ये फेस का काम करते हैं और ये न्यूट्रल का काम करता है, ब्लू वाला, या ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, ये न्यूट्रल का काम करता है, ठीक। ये जैसे आप ये दिख रहे हो, इसमें हालांकि नेम प्लेट लगी हुई होती है, ये RYB के हिसाब से अगर अपन कनेक्शन करें तो ये कनेक्शन हो जाता है दोस्तों। इसमें देख रहे हो आप, ये कैपेसिटर लगे हुए, एक अपना 36 का लगा हुआ है, 36 माइक्रोफेरेट का लगा हुआ है और एक लगा है 50 माइक्रोफेरेट का लगा हुआ है। जैसा आपको बहुत बेसिकली ये इंडिकेशन लैंप लगा हुआ है अपने पास, जैसे स्टार्ट होता है लाइट जलने लग जाता है, ऑफ होता है तो ये बंद हो जाता है। वोल्टेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज शो करना है, जैसे स्टार्ट करने से पहले कभी भी एक चीज़ का ख्याल रखना कि वोल्टेज देख लेना, वो प्रॉपर वोल्टेज रहे तो बढ़िया, नहीं तो वो मोटर ट्रिपिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि जो भी नए अपडेट्स वो आपको मिलते हैं।